दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों को संज्ञान में लिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बृजभूषण सिंह के जवाब का इंतजार है। खेल मंत्री के जवाब के कार्रवाई का भरोसा भी उन्होंने दिया है और बृजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और ऐसे में अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई है खिलाड़ियों की और उन्होंने भरोसा दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जवाब के बाद ही कार्रवाई होगी। ये भरोसा अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया है। लगातार देखिए बीते दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर और गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर ये खिलाड़ी लगा रहे हैं। यौन उत्पीड़न समेत कई ऐसे आरोप हैं जो इन खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं और इस पूरे मामले पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अब संज्ञान लिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खेल सचिव से मुलाकात के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुश्ती संघ से अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की गई। इस्तीफा लेकर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो ये मांग की जा रही है। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमें इतना मजबूर न किया जाए, देश की बेटियों को सम्मान मिले, खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये बातें ये खिलाड़ी कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट। 2 दिन हो गए हैं, कोई जवाब अब तक नहीं मिला। अगर सुनवाई नहीं हुई तो पुलिस का सहारा लेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। दरअसल मामला ये है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। विवाद के बाद खेल मंत्रालय ने पहले ही कुश्ती महासंघ को नोटिस भी जारी कर दिया। 72 घंटे में जवाब मांगा है बृजभूषण सिंह शरण ने। इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया, अब इंतजार हो रहा है जवाब का। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खिलाड़ियों ने ये जो बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। कहा कि हमें इतना मजबूर न किया जाए, देश की बेटियों को सम्मान दिया जाए, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, कार्रवाई की जाए, 2 दिन हो गए कार्रवाई नहीं हुई और अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो FIR दर्ज कराएंगे। रामपुर से बड़ी खबर आपको दे दें। MP MLA कोर्ट में आजम से संबंधित 3 मामलों में सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर सुनवाई होगी। आजम खान के हेट स्पीच मामले में भी सुनवाई होगी। आज ही कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के बयान भी दर्ज होंगे। आजम की पत्नी ताजिन फातिमा का भी बयान दर्ज होगा। बड़ी खबर देखिए, MP MLA कोर्ट में ये 3 मामलों पर सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर सुनवाई, आजम खान के हेट स्पीच मामले में सुनवाई होगी और इसी के साथ देखिए कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के भी बयान दर्ज होंगे। तो MP MLA कोर्ट में 3 मामलों पर सुनवाई है और ये तीनों ही मामले देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मामलों में सुनवाई, जिसमें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा जो मामला है उस पर भी सुनवाई होगी। आजम खान के हेट स्पीच के मामले में भी सुनवाई होगी। आजम खान और अब्दुल आजम के बयान आज कोर्ट में दर्ज होंगे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।